हेलो दोस्तों, आपके चैनल पर व्यूज अगर नहीं आता है, जीरो व्यूज आते हैं, तो आपको आज की इस वीडियो में मैं कुछ बताने वाला हूं। अगर आप उन स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे तो आपके चैनल पर डेफिनेटली व्यूज आने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं ये नहीं कहता कि आज एक वीडियो देख लोगे आप और ये काम कर लोगे जो बता रहा हूं तो 2-3 लाख व्यूज आ जाएंगे, लेकिन आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि आपका चैनल पुश हो जाएगा, चलने लगेगा और धीरे से धक्का मिल जाएगा तो आगे बढ़ने लगेगा। आज की इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रभाकर है, आप देख रहे हैं टेक्निकल प्रभाकर को। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। अब बात करते हैं कि कौन सी सेटिंग है, क्या चार्ट देखना होता है, आप मुझे बताइए। तो मैं आपको अपने मोबाइल स्क्रीन पर लेकर चल रहा हूं, वहां पर आपको बड़ी डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। अब आपको जो बता रहा हूं ध्यान से समझना। सबसे पहले आप गूगल क्रोम ओपन करो। गूगल क्रोम ओपन कर लिया, उसके बाद आपको यहां पर लिखना है www.google.com। ये लिख लिया, ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पर डेस्कटॉप साइट पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करो, फिर लिखो www.youtube.com लिखो। इस तरीके से इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पर देर तक क्लिक करके रखो, फिर इस तरीके से आएगा। यहाँ पर फिर ओपन इन न्यू टैब इन ए ग्रुप, यहाँ पर जैसे ही क्लिक करोगे इस तरीके से इंटरफेस आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको डेस्कटॉप साइट ओपन कर लेना है। डेस्कटॉप साइट ओपन कर लिया आपने, डेस्कटॉप साइट ओपन करने के बाद आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा। अब आपको क्या काम करना है, यहाँ पर आना है अपने चैनल के लोगो पर। यहाँ पर आपको आने के बाद क्रिएटर स्टूडियो पर क्लिक करना है। अगर आप डायरेक्ट क्रिएटर स्टूडियो पर क्लिक करेंगे तो आप यूट्यूब स्टूडियो में पहुंच जाएंगे, जो कि ऐप है आपका। तो क्रिएटर स्टूडियो पर देर तक क्लिक करके रखना है, ओपन इन ए न्यू टैब ग्रुप पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा, यहाँ पर लिखा है कंटिन्यू टू स्टूडियो, इस पर क्लिक कर दीजिए। इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से इंटरफेस आएगा, जैसे कि कंप्यूटर में ओपन होता है आपका यूट्यूब चैनल। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है, सिर्फ मोबाइल है, तो आपको जो चीजें बता रहा हूं इसको ध्यान से समझो। यहां पर आ गए आप, इसके बाद अब आपको मैं बताता हूं, यहां पर आना है आपको एनालिटिक्स पे। एनालिटिक्स क्या होता है, ये जो 3 लाइन बनी हुई है ये वाली, ये इस लाइन पर क्लिक कर दो। एनालिटिक्स पर क्लिक कर दिया आपने। एनालिटिक्स पर क्लिक करने के बाद अब आपको नीचे आना है। यहाँ पर नीचे आ गए आप, आपको देखना है आपकी टॉप की वीडियो कौन कौन सी चल रही है। टॉप 10 में ये वीडियो आती हैं, तो मेरी टॉप 10 की वीडियो ये चल रही है। अब मैं आपको यहाँ पर अभी 16 मई को एक वीडियो अपलोड किया है, इस वीडियो को मैं दिखाना चाहूँगा। इस वीडियो पर मैं क्लिक करता हूँ, ये रियूज्ड वाली वीडियो पर, ठीक है। मैंने क्लिक कर दिया, आपके सामने यहाँ पर ओपन हो गया। अब मैं आपको आज ऑडियंस रिटेंशन के बारे में बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस ऑडियंस रिटेंशन को देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपको बताऊं कि जो मेरी यूट्यूब चैनल पर लोग वीडियो देखते हैं उसमें सबसे ज़्यादा देर तक कहाँ से कहाँ तक देखते हैं, देखो ये वीडियो आपकी स्टार्ट कहाँ से होती है। बहुत लोग आपको बताएंगे ना कि आपकी वीडियो यहाँ 0% से स्टार्ट हुई, ये जो नीचे लिखा है, लेकिन ये नहीं है। आपकी जो वीडियो स्टार्ट हुई है वो आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये स्टार्ट हुआ। अब यहाँ पर स्टार्ट हुआ, इसके बाद आप यहाँ कहीं पर भी क्लिक करोगे ना तो आपको पता चलेगा कि आपकी वीडियो कितने परसेंटेज तक लोग देखते हैं। तो अगर मैं अपनी वीडियो को मान के चलूँ 49% लोग मेरी वीडियो यहाँ तक देखते हैं, मतलब कि 3 मिनट 25 सेकेंड तक 49% लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, तो इस वीडियो पर व्यूज आएगा ही आएगा। आपको क्या काम करना है, अपने चैनल पर जाना है, इसी तरीके से आपको अपनी वीडियो देखनी है। वीडियो देखने के बाद अपना ऑडियंस रिटेंशन देखना है, उसके बाद इंट्रो आपको देखना है कि इंट्रो कितने परसेंट लोग देख रहे हैं। तो इंट्रो जो मेरा परसेंटेज वाइज लोग देखते हैं, वो परसेंटेज वाइज लोग देखते हैं 61% लोग। और टॉप मोमेंट जो मेरे वीडियो का होता है, वो वीडियो का मेरे मोमेंट होता है, ये मान के चलो आप कि 3 मिनट मतलब 50 सेकेंड या 40 सेकेंड तक 40% तक लोग देखते हैं। यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पर अब देखो 50% लोग मेरी आधी वीडियो देखते हैं, मतलब 3 मिनट तक देखते हैं। अगर ये मेरी 6 मिनट 43 सेकंड की वीडियो है तो 3 मिनट से ज़्यादा तक देखते हैं। ये चीज़ आपको अपने चैनल पर जाकर करना है, अगर आपको व्यू लाना है तो, राइट। आपको टॉप 10 वीडियो में देखना है। अब डिप कहाँ पर हो रहा है ये भी देखना है। डिप जो पार्ट है ना, वो डिप पार्ट ये होता है कि आपकी वीडियो लोग कम देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, तो उस पार्ट को आपको और अच्छा बनाना है। जैसे कि यहाँ पर ये देख सकते हो, लास्ट का मेरा जो पार्ट है ना, मतलब मान सकते हो 10-15 सेकंड वाला, उसको लोग नहीं देखते। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें ये करना है कि अपने चैनल पर लास्ट के पार्ट में कुछ अच्छा सा प्रेजेंटेशन डाल दें, या फिर उसमें कुछ इंटरेस्टिंग डाल दें कि लास्ट में आपको ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, इस टाइप से कुछ भी डाल सकते हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं मेरे दोस्त, क्योंकि सबके चैनल पर ऐसे ही वर्क करता है। और आज मैंने मोबाइल पर बताया, अभी तक मैं कंप्यूटर पर बता रहा था, लेकिन बहुत से लोग कह रहे थे सर मेरे पास मोबाइल है, कंप्यूटर नहीं है, तो प्लीज बताइए।
ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, राइट। अब मैं आपको एक और एनालिटिक्स दिखाता हूँ। एनालिटिक्स आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एनालिटिक्स से आपको पता चलेगा। देखो एवरेज व्यू ड्यूरेशन यहाँ पर लिखा हुआ है मेरे वीडियो पर 42.4%। यहाँ पर इस वीडियो पर क्लिक करता हूँ, सबसे पहली जो मेरी वीडियो टॉप 10 में सबसे पहली वाली वीडियो है, आपको दिखाता हूँ ये वीडियो मेरी क्यों ज़्यादा रैंक करती है, क्यों ज़्यादातर चलती है, क्यों ज़्यादातर लोग देखते हैं इस वीडियो को, क्योंकि इसमें यहाँ पर देखो जो ऑडियंस रिटेंशन है ना, यहाँ पर 90% लोग मेरी आधे से ज्यादा वीडियो देखते हैं। 90% का मतलब यह हुआ कि मान लो आप आए वीडियो देखने, 10 लोग आए इस वीडियो को देखने, 10 लोगों ने इस वीडियो को, मतलब 9 लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखा है। यह ध्यान में रखना है आपको। इसे कहते हैं चार्ट चेकिंग करना। आप अपने वीडियो पर जाकर एनालिटिक्स ऐसे चेक करते हैं। ये जो 0% वाला है ना, ये लास्ट में सबके चैनल पर ऐसे आता है जो लास्ट में 0% होता है, लेकिन आपको बीच में पार्ट, कम से कम आपको जो 6 मिनट की वीडियो बनाए हो ना, तो 3 से 4 मिनट तक उस वीडियो पर इतना अच्छा नॉलेज दे दो ना कि लोग जा ही ना पाए आपकी वीडियो से, देख सकते हो। इस तरीके से आपको अपने चैनल पर काम करना है। अगर आपने ये काम किया ना, आई गारंटी इट कि आपका चैनल ग्रो होगा। अगर आपने चार्ट पढ़ के काम किया, कितनी देर तक लोग देख रहे हैं, कहाँ कहाँ देख रहे हैं, कितनी देर की वीडियो पर देख रहे हैं, ये चीज़ें देखनी होती है, राइट। दोस्तों जैसा कि आपने मेरे मोबाइल स्क्रीन पर अभी आपने देखा किस तरीके से क्या क्या चीज़ें करनी होती है, आप वो चीज़ों को अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली 1001% मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके चैनल पर व्यूज आना स्टार्ट हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।